गो माता से आशीर्वाद लेने की ये परंपरा सालों पुरानी है। ये कब और कैसे शुरू हुई ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन लोग इसे सालों से देखते आ रहे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन से महज 75 किलोमीटर दूर भीड़ावत गांव में गौरी पूजा पर मन्नत मांगने वाले हर साल गायों के पैरों तले कुचले जाते हैं। माना जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, इसलिए गाय के पैरों से रौंदे जाने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। 21वीं सदी में आस्था के नाम पर हैरान करने वाली ये कोई अकेली परंपरा नहीं है। मध्य प्रदेश में ही इंदौर के पास आग फेंकने की परंपरा है। जान जोखिम में डालकर दो गांवों के लोग तीर से आग के गोले फेंकते हैं और ये जानलेवा खेल सुबह से शुरू होकर सूर्यास्त तक चलता है। कर्नाटक के धारवाड़ में उगादी त्योहार के पांचवें दिन भगवान कमलेश्वर की यात्रा के दौरान श्रद्धालु अंगारों से गुजरते हैं। मान्यता है कि अंगारों पर चलने से भगवान कमलेश्वर उनकी हर मुराद पूरी करेंगे। महाराष्ट्र के शोलापुर में बाबा उमर की दरगाह में बच्चे को छत से फेंका जाता है। माना जाता है कि इससे बच्चे स्वस्थ रहते हैं। बड़ी अजीब बात है, एक ओर हम विकास के नए नए मानक तय कर रहे हैं, दूसरी ओर अंधी आस्था अब भी हावी है, अब भी लोगों को लुभा रही है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो।